रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन पर हमीरपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने दुख व्यक्त किया है। धूमल ने कहा कि आज देश ने एक दूरदर्शी ईमानदार नेता बीजेपी पार्टी ने खोया है और इसी क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। धूमल ने कहा कि बीजेपी पार्टी कठिन से कठिन हालात में भी जेटली का मार्गदर्शन लेती रही है। उन्होंने कहा कि जेटली की योग्यता और ईमानदारी पर किसी को कोई संदेह नहीं था और विपक्ष के नेता भी जेटली को सम्मान देते थे। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश जेटली के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। आज अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली जी के निधन का दुखद समाचार सुना। सारा देश समाचार सुनकर स्तब्ध है। एक विद्वान बुद्धिजीवी अधिवक्ता और ईमानदार नेता आज पार्टी ने देश ने खो दिया है। श्री जेटली जी कठिन से कठिन समय पर भी मुश्किल हालात में सरकार को और पार्टी को हमेशा सही मार्गदर्शन देते थे। नपे तुले शब्दों में बात करते थे और अजात शत्रु थे। कोई उनको अपना शत्रु विरोधी नहीं मानता था। विचारों का मतभेद हो सकता है लेकिन जेटली जी की योग्यता पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी क्षमता पर किसी को कोई संदेह नहीं था। विपक्ष के नेता भी उनका बहुत सम्मान करते थे। आज देश की अपूर्णीय क्षति हुई है। कुछ ही दिनों में हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली खो दिए हैं। सार्वजनिक जीवन इससे निर्धन हुआ है। ये ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस सदमे को सहने की शक्ति दे।